कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ए, क्या हुआ अथर्व? तो अभी सोया पड़ा है मस्त। देखो गले लग गया अच्छे से। वेदांत भी सोया पड़ा है अभी रजाई ओढ़ के। तो मैं वेदांत को उठा रही हूँ फटाफट। अभी पानी आ रहा है तो नहा लो। मेरा तो सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा, कपड़े धुलना, नहाना सब हो गया है। क्योंकि सुबह सुबह पानी आता है तो हम फटाफट सारा काम सुबह ही निपटाते हैं जब तक पानी आता है। तो बस अब मैं बच्चों को उठा रही हूँ फटाफट, ये भी नहा धो के रेडी हो जाए। और आज है रौनक का बर्थडे, तो रौनक के बर्थडे की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। और अभी मैं बाहर जाऊँगी, फिर दिखाती हूँ कि बाहर क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो अभी मैं बच्चों को उठाती हूँ, फिर ज़रा चाय वगैरह बना के पीने के बाद उसके बाद बाहर जाएंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे बाहर क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी हैं। देखिए मस्त सुबह हो चुकी है और एकदम प्यारी प्यारी धूप खिल चुकी है। वाह, बहुत ही प्यारा लग रहा है मौसम। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे। सामने आपको दिख रहा है हमारा बर्थडे बॉय, ये रहा। हेलो, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे रौनक। अम्मा को क्या हो गया? तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर। वाह, ये देखिए, पहले तो आप लोग यहाँ का व्यू देखिए। और ये देखिए यहाँ पे टेंट वगैरह सब लग चुका है, तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, डेकोरेशन वगैरह अभी चल रही है, स्टार्ट हो गया है अभी। ये देखिए, और यहाँ ऊपर जो खेत है यहाँ पर खाना बनने की तैयारी चल रही है। जो भी है हाजिरी लगाने तो आना ही ठहरा। ठीक है भैया, ये हमारी किरण जी टेस्ट करते हुए चेक कर रहे हैं। ये देखिए इस वाले बीच वाले में क्या बन रहा है? मटन है, सारे में मटन है। दिखा दो, इसमें वो है ना, अभी स्टीम वो हो रही है। और यहाँ चल रहा है चूने का काम। ये देखिए सारे में चूना पड़ चुका है। और हम दिखाते हैं यहाँ से आपको, आज काफ़ी दिनों के बाद मौसम क्लियर हुआ है कल से, तो पंचाचुली पीक भी फाइनली नज़र आ रही है। ये देखिए लगभग एक हफ्ते के बाद मौसम क्लियर हुआ है। देखिए ये बर्थडे बॉय भी देखो डेकोरेशन में हेल्प कर रहा है, बलून फुला रहा है। और ये देखिए हम सब यहाँ तैयार हो चुके हैं। ये हैं रूथ मैडम, आज कुछ अलग ही लुक नजर आ रहा है, बर्थडे बॉय को तैयार कर रही है, अभी दिखा रहे हैं। और ये है रिचल। रिचल उधर से ना, लाइट नहीं पड़ रही ना, इधर से देखो, इधर से सही दिख रहे हो तुम, रूथ की सिस्टर। तैयार हो गया बर्थडे बॉय। और ये हैं बर्थडे बॉय के पापा जो अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। और ये आ चुकी हैं किरण दी, येलो साड़ी में, येलो एंड रेड, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। अभी हेयर बनाने हैं। हाँ बनाओ बनाओ, रिचल बनाओ। ओ नींद में हो रहा भाई लड़का तो हमारा। वाह कितना प्यारा लग रहा है। रुको रुको, शूज भी दिखाओ। खट्टा का है वो, नींबू का वो अंदर है। सभी को क्या मुझे बनवाने के लिए पकड़वा देते। और अब यहाँ पर दुआ शुरू हो चुकी है। दादा का स्वास्थ्य ठीक है एक्सपायर हो गए थे, टाइम पर टाइम हो गए थे, तो आज ये कर रहे हैं। तो आइए हम लोग दुआ करें और इस प्रार्थना को शुरू करेंगे। मैं तो करूँगा आप दुआ करेंगे और इसको आरंभ करेंगे दुआ को।
हमारे जीवित पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं बच्चे रौनक के लिए एक साल पूरा होने में और आज दो साल पूरे होने में आपने सहायता करी। बच्चे को आपने हर रूप से स्वस्थ रखा है, हम धन्यवाद देते हैं। और आज पिता इसके माँ बाप ने, दादी ने और तमाम परिजनों ने, बुआ लोगों ने ये चाहा कि इसको बड़े धूमधाम के साथ दुआ और प्रार्थना के साथ अन्ना को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारी आदर सारी महिमा आपको अर्पण करते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है रौनक के लिए, तो आइए हम लोग तालियों के थोक इस गीत को गाएंगे। और ताली की आवाज बहुत हल्की हल्की आनी चाहिए, हाँ बिल्कुल ऐसे लगी हूँ। प्रभु जी के आपने अवसर दिया, प्रभु जी इसके हम आभारी हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपको कि आपने इस बच्चे को एक नया दिन और दिखाया प्रभु जी, इसके वर्ष में जोड़ा है, इसके जीवन में जोड़ा है प्रभु जी, इसके लिए हम आपके आभारी हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने पिछले वर्ष भर इसकी हिफाजत की, इसके अपनी सुरक्षा के घेरे में बनाए रखा, तमाम परेशानी मुसीबतों से इसे बचाए रखा, बीमारी से तकलीफों से सुरक्षित रहा। आने वाला वर्ष प्रभु जी जो कि नया वर्ष जो कि जिसमें इसने प्रवेश किया है प्रभु जी, हम सब आपसे प्रार्थना देना, बुद्धि देना, इसके परिवारजनों को ऐसी शक्ति देना, बुद्धि देना कि उन योजनाओं को पूरा करने में इस बच्चे की वो सहायता करें और इस बच्चे को इस तरह से पालन पोषण करें जिससे बच्चा न केवल आप संसारिक ज्ञान में आगे बढ़े बुद्धि और लेकिन आपकी नज़दीकी और पहचान में भी आगे बढ़ता चला जाए। अपने परिवार के लिए, समस्त समाज के लिए ये बच्चा एक आदर्श है, इसके परिवार पर प्रभु जी इसके माता पिता को आशीष देना, इसकी दादी रौनक बने। परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह और सर्वदेह पवित्र आत्मा के नाम से मैं इस बच्चे को एक अनंत
आना शुरू हो चुका है। कहेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स, रौनक के बर्थडे में बहुत ही मज़ा आया, हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती की। और अभी लंच हो रहा है तो बस अब हम भी लंच करेंगे, बस थोड़ा चेंज करके करेंगे, थोड़ा कंफर्टेबल फील हो तो लंच करेंगे। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।